अमरीकी डॉलर करेंसी अकाउंट में लाखों रुपए की खुर्द बुर्द का मामला। अदालत ने बैंक मैनेजर मुश्ताक अहमद को 31 साल कैद की सजा सुना दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा मोहम्मद सकलैन जावेद। मोहम्मद सकलैन जावेद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, बैंकिंग जुराम अदालत के जज मुनीर अहमद जोया ने अमरीकी डॉलर करेंसी अकाउंट में करप्शन करने पर साबिक बैंक मैनेजर मुश्ताक अहमद को 5 दफात के तहत मजमुई तौर पर 31 साल कैद और 62,59,150 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ताहम अदालत ने मुलजम को 382B का फ़ायदा भी दिया है, जिसके तहत इन तमाम सज़ाओं पर इकट्ठे अमल दरामद होगा। अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में मुलजम को 1 साल 9 माह तक मजीद कैद की सज़ा भुगतना होगी। FIA हुकाम की तरफ से अदालत को बताया गया कि मुलजम मुश्ताक अहमद ने खालिद परवेज़ के गैर मुल्की करंसी अकाउंट से मजमुई तौर पर लाखों रुपए की रकम खुर्दबुर्द कर ली थी। मुलजम ने 2011 से 2015 के दरमियान ये रकम खुर्दबुर्द की थी, जिस पर 2015 में उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने 5 मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजम को मजमुई तौर पर 31 साल कैद की सजा सुनाई है, जिसमें ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 409, 420, 468 और 5247 के तहत 7-7 साल, जबकि 471 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई है। जी शुक्रिया मोहम्मद।